थर्ड वीडियो देखें, डेंसिटी का लास्ट वीडियो के अंदर मैंने फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था, आज अपन इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ऐसे दो तीन क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। उसके बाद के वीडियोस में, वीडियो तो मैं पूरे सारे क्वेश्चंस का तो बन नहीं सकता, इसलिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा सारे क्वेश्चंस की, तो वेरियस टाइप्स ऑफ डेंसिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो सॉल्व कर लेना। होप्स वो सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से आने वाले हैं, तो वो उसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स के आपके अंदर आपको मिलेंगे। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी का जो फॉर्मूला था, डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर एक तो जेड मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। अब ये क्वेश्चन जो आते हैं वो कहां कहां से आ रहे हैं, आपको डेंसिटी पूछेगा, z दे देगा, m दे देगा, na दे देगा, a दे देगा। z देने का मतलब है कि आपको ये बता देगा कि जो आपकी यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है तो z की वैल्यू 1, bcc है तो z की वैल्यू 2, और अगर fcc है तो z की वैल्यू क्या रखनी है 4। अब मास की बात करें तो मास आपको गिवन होगा, वो देगा कि भाई सिल्वर है तो सिल्वर का मास इतना है, कॉपर है तो कॉपर का मास इतना है, वगैरह वगैरह दिया जाएगा। एवोगैड्रो नंबर के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर वैल्यू तो एवोगैड्रो नंबर की पूरी रखो, पर जब सोल्व करते हो तो सोल्व करते टाइम पर क्या करो कि इजी से इजी मेथड यूज करो, आप 6.023 की जगह पर केवल 6 ही रख के सोल्व करो, तो आपका आंसर जो है वो फास्ट हो जाएगा करना। इससे थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ती है और आप भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि पॉइंट के बाद की जो क्वेश्चन पॉइंट के बाद जो होती है डिजिट्स, उनको सॉल्व करना बहुत झंझट भरा काम होता है, तो उससे आपको थोड़ा फटाफट करने में हेल्प मिलेगी। ए जो होगा, ए से रिलेशन किस किस का निकल सकता है, एक से किस किस का रिलेशन दिया सकता है वो देखो आप। ए क्या है, हमारी एज लेंथ है, तो यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसका रिलेशन हमारे पास में आता है एक तो सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए ए इज इक्वल्स टू 2r रिलेशन है, और इसी का रिलेशन d से भी है। यहां पर a तो होगी हमारी एज लेंथ, r होगी हमारी रेडियस ऑफ आयन, d होगी मिनिमम डिस्टेंस, किसके बीच की डिस्टेंस, बिटवीन टू आयन्स और एटम्स etc, जो भी उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी बात हो रही है। तो ये आपके पास जो है सिंपल क्यूबिक की रिलेशन तो ये हो गया। अब इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, रूट 3a इज इक्वल टू होता है 4r इज इक्वल टू 2d। इसी तरह से एफसीसी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रूट 2a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। ये तीन रिलेशन हो रहे हैं बस, 12th क्लास CBSE चाहे RBSE NCERT हो, चाहे राजस्थान बोर्ड की कोई भी बुक हो, आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इन चार चीजों से लिंक करके आता है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देता, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन एक और क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। ये जो ग्राम मोलर मास है, डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम पे हम लोगों ने ग्राम मोलर मास की जो वैल्यू निकाली थी, मैं ग्राम मोलर मास किससे निकाला था, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट से निकाला था, तो मास निकाला था उसी से, तो यह ग्राम मोलर मास निकल करके आया था। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां पर एक क्वेश्चन आया था 2015 के पेपर के अंदर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि भाई आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए थे, एनसीईआरटी के अंदर भी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूछा है कि भाई इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का क्वेश्चन करते टाइम पे आपको क्या करना है, इस ग्राम मोलर मास को नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट कर लो। भाई दो तरीके दे रखे, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है पहले छोटा छोटे का पहली यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लो, फिर उसके बाद में बड़ी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर लो, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक देखिए आप भाई, मोल इज इक्वल्स टू मैंने बताया था ग्राम अपॉन ग्राम मोलर मास होता है, और मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। मैंने बताया था दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखना जरा, ग्राम अपॉन ग्राम मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ग्राम मोलर मास की जगह पर मैं इसको मैं ऊपर ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, तो ग्राम मोलर मास की यहां से वैल्यू निकल करके आएगी, ग्राम मोलर मास इज इक्वल्स टू ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, यहां पुट करोगे तो डेंसिटी का एक नया फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, वो ये हो जाएगा जेड मल्टीप्लाइड बाय गिवन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल।
अब आप देखो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर तो कट गया, तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला बन रहा है वो है z into ग्राम डिवाइड बाय a क्यूब into नंबर ऑफ पार्टिकल। ये डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये याद रखना है, और ये तीनों फॉर्मूले याद अगर आपको हैं तो डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करोगे।